ये जा रही है दिल्ली, हम नहीं जा रहे पटना, हम उतरे दिल्ली। यहाँ से हमने एंट्री नहीं की थी, हमने एंट्री करी वहाँ से। मैं तुम वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल ग्राफिक्स। सब की हाल चाल, सत श्री अकाल। क्या था ये मोए मोए हो गया, ये मोए मोए हो गया, बहुत तगड़े वाला। हमारा तो हो ही चुका गाइस, हमारा सुबह से हो रहा है ट्रेन के चक्कर में। ये मासी है ना, मासी मम्मी, ये इन्होंने बहुत कराया सुबह से मोए मोए। ये सिखाओ, टिकट ले रहे हैं। ये देखो, इन्होंने आज इतना तंग करा ना, इतना तंग करा जिसका कोई हिसाब नहीं। बड़ा तंग किया है मासी ने, बीबी सोनिया बजाज ने बड़ा तंग किया जाज साहब के नाम मिलके। क्यों जाज? और हम लोग जा रहे हैं अभी सरहंद, वहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा देखने। तो अभी मेरे को लग रहा है बीच में आवाज़ भी शायद कम हो जाए, तो वो बात अलग है। मगर अभी जो व्यू है ना हमारा, यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं हम लोग सरहंद, खन्ने पे उतरेंगे, खन्ने के बाद हम लोग जाएंगे गुरुद्वारे। यहाँ पे सरहंद में गुरुद्वारा है बहुत बढ़िया, तो वहाँ जाके हम लोग वो गुरुद्वारे कभी गए नहीं है तो इसलिए जा रहे हैं। प्यार शर्म हो गए हैं। दूसरी मासी उधर बैठी है, मम्मी भी उधर बैठी है, और इधर भी दो मासी इधर है। एक एरोप्लेन वहाँ पे बैठा है, एक एरोप्लेन वहाँ बैठा है। तो बाकी इंजॉय करते हैं व्यू। जितनी ट्रेन में उस दिन भीड़ थी ना जब हम ब्यास आ रहे थे, और आज उतनी ट्रेन खाली है। ये देखो इधर भी देखो, ट्रेन खाली है, उतनी भीड़ नहीं है जितनी उस दिन थी। हूँ कैसे चलना जी, सरहंद गुरुद्वारे से बेच रहे होंगे आज? हाँ जी। तो तुम टेंशन लो, थोड़ी होर ले लो, कर्जा कुर्जा लेना है किसी को टेंशन था, ये टेंशन लेने आते हैं। और यहाँ का व्यू मैं कह रहा हूँ, खेत आते ही ना इतना बढ़िया हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम क्या करने लग जाती है दो दो मिनट बाद, करंट लगता है क्या तेरे को? कोई ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक। बाकी हम ये वाला व्यू सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मेरा फोन कांप रहा है भैया, कहने जाएगी क्या? पहली बार ही अच्छी चीज बोल गई, पहली बार यार, हमारे को 10 मिलियन तक ले जाओ। हाँ, बस थोड़ा सा रह गया क्राइटेरिया, जल्दी पूरा कर दो ठीक है। दिल्ली जाते आते खुशी ना, आपने 5 की कर दी ना, उसी में अनमोल का आईफोन 13 पर चला जाए करके दिखाओ। भगवान ना ऊपर से नीचे आ जाएगा, कहेगा क्या दोबारा बोल, सुनाई नहीं दिया मेरे को। आईफोन 15 अच्छा बात, ये ज्यादा बोल गई है। आईफोन 13 दूंगी अगर अनमोल के लिए 5 के हो गए। कुछ नहीं देना, इसकी बस की नहीं है, हम सीधे खन्ने में ही मिलते हैं, फिर दिखाते हैं ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए हैं फगवाड़ा, और जलंधर आया था बीच में लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। फगवाड़ा ही देख लो यार, बढ़िया जगह है, बिल्कुल साफ सुथरा ये भी रेलवे स्टेशन। और ट्रेन देखो कैसे मुड़ रही है, आगे से पूरा सीन आ रहा है नज़र। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ आगे, बहुत अच्छा। और साथ में दूसरी ट्रेन है तो वो कैसे मुड़ रही है। बाय। तो अभी भी खन्ना जो है आधे पौने एक घंटे का रास्ता है यहाँ से, फगवाड़े हम लोग पहुँच गए हैं। और पसीना मैं कह रहा हूँ इतना आया ना, इतना निकाला है जिसकी कोई हिसाब ही नहीं है। बाकी आज सरहंद रुकेंगे, वहीं पे गुरुद्वारे में स्टे करेंगे, बाकी देखते हैं। और ट्रेन धीरे धीरे तेज हो रही है, फुल स्पीड में आ रही है, क्योंकि उसको भी एक घंटे का टाइम है खन्ने पहुँचने का, तो वहीं पर रुकेंगे अब। ओए होए, उतरने वाले हैं, शाम के बज चुके हैं 4। तो भाई ट्रेन जा रही है अब हमारी यहाँ से। वहाँ परेशान आत्माएं, हम तो परेशान नहीं है। ये जा रही है दिल्ली, हमने जाना था खन्ना, हम उतर गए डलोरी, पता नहीं ऐसे कोई जगह, यहाँ से बस लेके चलते हैं फिर। A few moments later. तो इधर से बस ले लिए, सरहंद जा रहे हैं अब।
कुछ ऐसी बस है जिसमें हम जा रहे हैं सरहंद। अभी टाइम पड़ा है काफ़ी। अंकल ही हॉर्न भी बहुत बढ़िया बजाते हैं। सरहंद पहुँचे नहीं है, 8 बज गए। अंकल फाइनली पहुंच गए हैं सरहंद। और यहाँ पे ये बस हम इसमें आए थे और ये तो वैसे बस खड़ी है जो दिख रही है। तो अभी अंधेरा हो चुका है तो इतनी अच्छी वीडियो साफ क्वालिटी आ नहीं रही है, लेकिन बस ये बहुत बढ़िया थी और भी बढ़िया थे। तो हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारा श्री गुरु फतेहगढ़ साहिब जी के गुरुद्वारे में। तो यहाँ से हमने एंट्री नहीं की थी, हमने एंट्री करी वहाँ से। मैं दोबारा बाहर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए कि पहले ही ना सारे अंदर चले गए हैं, अब रूम वगैरह सबने ले लिए। तो रूम तो मैं कल ही दिखाऊंगा, अभी अंदर चलते हैं। बाहर से तो मतलब अंदर से दिखा देते हैं कैसे अच्छा है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। और यहाँ ठंडा बुर्ज भी है, वो तो अलग ही चीज़ है। तो चलते हैं अंदर। ओके, तो यहाँ से एंट्री हो जाती है मेन, जो अपनी कार पार्किंग और स्कूटर पार्किंग इधर से है वो मेन गुरुद्वारा। यहाँ से गुरुद्वारे के लिए जाना तो अंदर से एंट्री। तो अभी तो हम पार्किंग वाली साइड चलते हैं, ये इधर पार्किंग वाली साइड है। और एंट्री करते ही साथ में लिखा होगा दफ्तर, निवास और लंगर। तो हमारी जो एंट्री हुई थी ना, तब वहाँ से हुई थी जहाँ से मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया है वहाँ से। और अभी यहाँ से हम जाएंगे नीचे, जो हमारा रूम है वहाँ तक लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है और यहाँ पे लिखा हुआ है माता गुज्जर कौर जी निवास सतना वाहिगुरु। बाकी ये सारा एक बार देख लो आप। और यहाँ से हमने एंट्री करी, तो मैं इधर से निकल कर आया हूँ और यहाँ तक आया हूँ। तो इसी के बिल्कुल सामने साइड, तो इधर ही बिल्कुल ही सामने ना रूम्स ही रूम्स है। मतलब यहाँ पे रेंट पे देते हैं और लोग रहते हैं यहाँ पर आकर कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो अभी ऊपर चलते हैं। और बस भाई आज मैं बहुत थक गया, कपड़े वगैरह चेंज करके गया था। तो अपना 80 रूम नंबर है यहाँ पे, और सामने ही गुरुद्वारा है। तो सुबह और भी अच्छे दर्शन होंगे, लेकिन अभी अंदर तो सारे सो रहे हैं, तो इसलिए मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि रात का टाइम ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए बाकी तो बढ़िया व्यू है यहाँ का, बाकी आपको कल सुबह दिखाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना। बाय 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 बाय।